और मायशा ये दोनों एक दूसरे से लड़ झगड़ ले बेशक, लेकिन हमेशा साथ ही हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनका एक बार फिर से इनको गले लगते एक दूसरे के साथ खड़े रहकर एक दूसरे का हौसला बनाते देखा गया और मायशा इस दौरान उन्हें गले लगाकर रोती नजर आई। दरअसल ईशान और मायशा का झगड़ा हो गया था क्योंकि ईशान को जब नाक पर चोट लगी तो उन्हें बहुत जोर से ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन मायशा ने उनके लिए कोई भी यहाँ पर प्यार नहीं जताया, ना ही उनका साथ दिया। तो इस बात से ईशान बहुत ही ज्यादा हर्ट हुए थे और मायशा से कह दिया था कि मुझसे दूर रहो, पास मत आना और बात करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा झूठा प्यार बहुत देख लिया। इसके बाद मायशा एक बार फिर से उनसे दूर चली गई, लेकिन बाद में जब ईशान वहीं पर बैठे हुए थे तो वापस उनके पास आई, उन्हें गले लगा लिया और गले लगाकर रोती दिखाई दी और ईशान ने भी उनको गले लगा कर उन्हें माफ कर दिया और कह दिया कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई फॉरगिव यू। तो इस पर ईशान को मायशा ने ये भी कहा कि अब बस ये टास्क खत्म हो जाए, उसके बाद तुम और मैं और कुछ भी नहीं, हम साथ में खाना खाएंगे, साथ में रहेंगे, बाकी सबको भूल जाएंगे। और ईशान ने कहा या बेबी दैट्स राइट, हम साथ में ही रहेंगे। तो इस तरीके से ईशान और मायशा एक दूसरे को गले लगाकर रखते हैं और ईशान को गले लगाकर मायशा की आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। आपका इस प्यारी सी लव स्टोरी को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हमसे साझा कीजिएगा कमेंट सेशन के थ्रू। और इसी तरह से हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।